अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ सैयद शाह सवार काज़मी, आपका अपना सैयद शाह सवार काज़मी। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे सर में दर्द बात कुछ ऐसी है कि हम लोग आज जो है इधर आए हैं सरगोधा नियर टू गुजरात, तो गुजरात और सरगोधा के दरमियान में कुछ जगह, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ प्लेस, बट हम लोग इधर आए हैं ज़रा एक काम से, घोड़ों के किसी काम से है। तो बस फिर अभी जो है हम लोग वहाँ पे पहुँचने लगे हैं, तो अभी किधर पहुँचने लगे हैं, अभी भी अच्छा वाला टाइम, और यकीन माने हम सुबह निकले थे फजर के टाइम, नमाज़ पढ़ के सुबह निकले थे, तो अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, और अभी आई थिंक कुछ सुबह के 11:15 बज रहे हैं। तो वैसे यार पंजाब वाले ना अच्छी जगह है, नेचर वाइज बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, हर जगह कचरा पड़ा हुआ था, नहरें पास से गुजरे हैं, बू आ रही है, ठीक था लेकिन इतना नहीं था। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एग्रीकल्चर सिस्टम भी और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इनका ख्याल रखें, ताकि अगर कोई टूरिस्ट आपकी तरफ आए तो वो ये ना बोले कि ये इस इलाके के लोग कितने गंदे हैं। इलाके के लोग गंदे नहीं होते, हुकूमत का काम है कि उस जगह को साफ करें, वहाँ पे डस्टबिन, हमें रास्ते में कोई भी एक बड़ा डस्टबिन नज़र नहीं आया, मे बी कोई गली मोहल्लों में हो तो आई डोंट नो, पर यहाँ पे नहीं था कोई भी। तो हुकूमत को चाहिए कि एक एक ही कदर ना रोड पे डस्टबिन तो लगवाए यार, कि एटलीस्ट हुकूमत तो कोशिश करे, आवाम करे ना करे, हुकूमत तो कोशिश करे फिर आवाम भी करने लग जाएगी, तो ये सारा सीन है। तो अभी मेरे सर में इतना सख्त दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, और मैं बता ही नहीं सकता ना सर इतना सख्त दर्द है, और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, सो मैं जूस पे हूँ अभी तक। तो अभी कुछ नाश्ता वाश्ता देखते हैं हम करना है क्या करना है, आई डोंट नो। वो जरा अब हसन है मेरे साथ आया, आसिफ आया साथ, उसका दोस्त है हसन का, वो आए, अभी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, दैन फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ उनसे कोई काम है वो करेंगे, दैन वापस चले जाएंगे। मुझे वापस की चक्कर आ रहे हैं यार कि वापस कैसे जाएंगे, अजीब लग रहा है। कुर्ता फ्रॉम कहाँ से लिए, वाह वाह, सना कैसे है सर, आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सलाम कर दें, सलाम सलाम नहीं करते आप, हसन किधर जा रहे हो, मंडी जा रही ना, मंडी, अच्छा अच्छा कमल का जान से मिल रही, चलो अच्छा है। ये गलियों वाली मार्बल की लगाई हुई है इधर रोडों के ऊपर, ये ज्यादा ही कुछ अमीर है पंजाब के लोगों के, पैसा बोल रहे हैं। अपने आप को धूप से बचाओ तो जाली लगाओ ना, हिफाजत करें जो है ना आजकल, इतनी गर्मी है ना कि अब मैं ऐसी जगह आके बैठा हुआ तो, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करे बंदा यार, अब आके मैंने गलती कर दी है सर, मेरी तो माँ बाप की तो ख्वाहिश थी कि मैं कभी निकलूंगा भी नहीं दिन को, अजीब सा ही अभी यहाँ पे मैं इनका वेट कर रहा हूँ, ये कुछ गेम है कुछ लेने वगैरह, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है साथ के साथ। अब वहाँ पे पहुँच के बाकी कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग, सोचा व्लॉग ही बना लूँ, मैं तबीयत भी ख़राब कर रहा हूँ, वेला हूँ व्लॉग बना लूँ, इवन की जूस जो है ना वो भी सिरप बन गया, इतना गर्म हो गया, शुगर लो रही है, कभी नहीं आऊँगा मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। चार साल में बहुत ज़्यादा बन दे रहा है।
गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच आए हैं। ये है गुजरात, हम लोग गुजरात में हैं अभी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग यहाँ पे एक स्टड फार्म है वहाँ पे आए हैं। तो ये मेरे भाई के दोस्त हैं, उनका स्टड फार्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये घोड़ियाँ हैं सारी, इनके घोड़ियों का सेटअप है। तो ये साथ साथ अब दिखाता जाता हूँ, देखते सही। ये सारी घोड़ियों का सेटअप बना हुआ है, ये सारी तकरीबन घोड़ियाँ हैं यार। ये बहुत मार्शल आइटेड है और इसके साथ से इनके साथ बच्चे भी इनके हैं और ये सारा सीन है। मतलब वाह यार, ये कलर इतने प्यारे हैं ना, माशाल्लाह। दीज आर क्रिएशन ऑफ गॉड, माशाल्लाह। अभी जो है हम लोग इधर आए थे, अब ये दिखाएं, अब कुछ घोड़ों का सेटअप दिखाता हूँ आपको मैं। तो अब मैं ज़रा जा रहा हूँ घोड़ों के सेटअप की तरफ। वेट अ मिनट, हाँ ये मैं पहुँच गया। तो ये है घोड़ों का सेटअप और ये दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा थे। मैं ज़रा ये ज़रा कुछ आई थिंक ये कुछ ज़रा मस्ती करते हैं इनको, तब ज़रा घोड़ियों से दूर रखा हुआ है। ये कितना यार, ये इस कलर है क्या आते नहीं यार, सावा है नहीं सावा, हाँ। कुमार सावा कुमार नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये हैं दुम्बे, दुम्बे ही कहते हैं इनको, साथ उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, और ये सारा आगे ना, ये मेल घोड़े हैं जितने भी उनका सेटअप है, वहाँ पे फीमेल्स का था। वहाँ पे आगे वो अब्बास हसन भी खड़े हुए डंकी। अब्बास यहाँ पे क्या कर रहे यार? हाँ जी ना, ये सारे घोड़े खड़े हुए मेल में और ये सारे ना कर पंगे फट छुट दिए लात पे जाओ मार, तो मुझे बड़ा बहादुर जा तो कहीं रहा देखी मार साठी ने छोड़ी है लात। किस था क्राउन प्रिंस का बेटा, ये खूबसूरत है यार, वाह। अरे घोड़े दे बचे पुतां दे। अरे ना सांस घूम रहे हैं यहाँ पे, हंस अभी हम लोग यहाँ से निकले, लेकिन फिर रास्ते में इंशाल्लाह कुछ खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग घर को निकल जाएंगे। वैसे शेर अच्छा बना है, रास्ते में खाना वाना खाएंगे फिर हम घर को निकल जाएंगे। वाह, तो मिलते हैं साथन। गूगल एंटी पे कभी यकीन नहीं करना,
इसने हमें शाम ख़राब की और अभी पता नहीं किसी गुजरात की किसी गली में हमें लेके आ गई। हमने जीटी रोड पर निकलना था। आता यार वैसे घोड़े भाग रहे हो हमारे। हाँ बिल्कुल, तुम भी भाग रहे हो पीछे पीछे। क्यों ना तुम भी भागोगे? असन भूख तो नहीं लगी? गुजरात से और ये नेक्स्ट डे है। व्लॉग खत्म करते हैं अब यहाँ पे। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ठीक है, तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, टिकटॉक को भी फॉलो कर लें और जल्दी से सब कुछ कर लें। और नया जो व्लॉग मैंने बनाना है वो भी नीचे कमेंट कर दें कि किस टॉपिक पे नया व्लॉग बनाऊँ। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।